शीतकालीन सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब 5 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और माना जा रहा है कि संसद सत्र पर चुनाव परिणाम का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार है और मंगलवार से शुरू होने वाले इस सत्र के दौरान सरकार 3 तलाक, उपभोक्ता संरक्षण, चिट फंड, इसके अलावा DNA, गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम जैसे विधेयकों सहित करीब 3 दर्जन विधेयक पारित कराना चाहती है और इनमें 20 विधेयक नए हैं जबकि बाकी सदन में पहले ही पेश किए जा चुके हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दल राफेल मुद्दा, कृषि एवं किसानों की समस्याओं, CBI में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बीच झगड़े जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और सत्र के दौरान लोकसभा में पेश होने वाले नए विधेयकों में 3 तलाक संबंधी विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक, भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक, भारतीय औषधि प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय विमान संशोधन विधेयक, वही जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, बांध सुरक्षा विधेयक और इसके अलावा NCERT विधेयक आदि इसमें शामिल है। तो सरकार जहां सर्वदलीय बैठक बुलाकर संसद को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी महाबैठक करेगा और जिसमें सत्र का एजेंडा तय होगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने विपक्षी पार्टियों के उत्साह को बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस हर राज्य में जीतती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर होगा। इस बैठक में कुल 19 पार्टियां शिरकत कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, DMK चीफ MK स्टालिन, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, TDP चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक में कांग्रेस, TMC, आप, DMK, NCP, NC, सपा, BSP, RLD, JDS जैसी पार्टियां बैठक में शामिल हो सकती हैं और कह सकते हैं कि आज बैठकों का दिन है।